बोलिए अंबेडकर बाबा साहब की जय, भारत माता की जय। ए दुनिया संसार में काम किया निराला है, ए बाबा साहब जैसे कोई हुआ न होने भारत देश की सारी जनता हति बड़ी हैरानी में, ए बाबा साहब ने रौनक ला दे जा सब की जिंदे पानी में। अरे ज्ञानी ध्यानी थे, जिनकी माता भीमाबाई, पिता श्री राम जी सतपाल थे। अरे सुनो नर सज्जन ज्ञानी, अंबेडकर बाबा साहब हते बड़े ज्ञानी कि माता भीमाबाई है, पिता
राम जी सत पा साहब ने सारे कर्तव्य का पालन किया और अपने देश का झंडा ऊंचा किया, जिसमें बाबा साहब का नाम दुनिया में अमर है। अरे जगत में कीरत छाई अम्बेडकर जी की पत्नी सुनो चतुर थी रमा कि 14 अप्रैल 1891 और जाने में है Oh,
श्री अम्बेडकर बाबा साहब की पत्नी रमाबाई जो बड़ी चतुर थीं। अम्बेडकर बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश महू ग्राम में हुआ था। जन्म लेते से ही बड़े चतुर थे, जिनकी कीर्ति जगत में छाई हुई है। गजब की करे पढ़ाई, बाबा अम्बेडकर साहब बत्तीस डिग्री। अजब गजब जिनके हाथों और 27 भाषा को गया, ये संविधान भारी लिखे थाने ते गजब की। देश में पढ़ाई की और उन्होंने अपने देश के लिए संविधान बनाया, जिससे अपने भारत देश में घर घर में खुशियां छाई हुई हैं। सवाई खे शिक्षा दिलाए छोटे हो या बड़े पढ़ा के चतुर पढ़ने लिखने का सुनो और सबके दिलाए अधिकार एर सुख संपत्ति सब खे सब बने चतुर हो पढ़ने लिखने का सबको अधिकार दिलाया, जिससे आज भारत देश में हर घर में खुशियां शांति हैं। चतुर होवे बुई जाने
अपने अपने धर्म को। गजब प्यारे। और सब भाई पालन बाबा साहब ने सबको वोट डालने का अधिकार दिलाया, जिससे आज श्री बाबा साहब की सारे देश में जय जयकार हो रही है। काम करे परिस्वारत में बहुत अच्छे, सबसे बड़ा संविधान लिखो है अपने भारत की। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे, और संविधान लिखाते लो मान 26 जनवरी 1950 में साहब ने 60 देशों का संविधान अध्ययन किया, फिर भारत देश का संविधान बनाया जो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, जिससे गणतंत्र दिवस कहते हैं, जिससे सारे भारत में मनाया जाता है। कसर नहीं कीनो करनी में एरे बाबा साहब जैसे विद्यमान दिखे नहीं कोई धरे। श्री दीन भगत उस ताज ले लिखी फा गया ने मोल, एरे